पलवल से मथुरा तक का, जिसको मेरे हिसाब से इसको कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने करवाया था और ये RVNL कंपनी है। ये भी कार्य हो जाएगा, कार्य चल रहा है और ये करीब करीब आपका मथुरा से धौलपुर तक का जो सेक्शन है करीब करीब 110 किलोमीटर है और पूरा झांसी तक आपका 350 किलोमीटर का है ये सेक्शन है। और आपको भी पता होगा कि थर्ड लाइन बनने से काफ़ी फ़ायदा होगा रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में, ये काफ़ी सहायक होता है और हमारा जो मूवमेंट होता है गाड़ियों का, चाहे वो फ्रेट ट्रेन हो या पैसेंजर ट्रेन हो, दोनों का मूवमेंट बड़ा स्मूथ हो जाता है और इससे सामान की ढुलाई में या पैसेंजर दोनों की ढुलाई में, दोनों की आवागमन में काफ़ी सुविधा मिलती है। पैसेंजर ट्रेन्स की पंक्चुअलिटी इंक्रीज हो जाती है और जहाँ तक होता है हम कोशिश करते हैं कि अगर थर्ड लाइन बनती है तो हमारी पंक्चुअलिटी जो है वो बिल्कुल 100%। फोर्थ लाइन का भी काम चल रहा था? फोर्थ लाइन भी सैंक्शन हो चुका है, अभी इसके बाद काम चल रहा है। किस तरीके ये थर्ड लाइन है जो कि अभी चल रहा है काम आपका मथुरा। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।